शॉर्ट पिच जो तेज़ बॉलिंग को टैकल करने की टेक्निक है या नहीं है, भी एक्सपोज हुई है बैटिंग आपकी, मिडल ऑर्डर है, उसको तो मुश्किल आनी ही आनी है, क्योंकि इट्स वेरी इजी किसी भी बॉलर के लिए कि वो शॉर्ट एवर लेंथ बॉलिंग कर दे। हम हारिस का देख रहे हैं सीरीज़ के अंदर, वो जिस तरह से वो मैच में पाकिस्तान को वापस लाता है, तो क्यों चाइन इज इम्पॉर्टेंट और बुमराह पाकिस्तान को? आपको लगता है कि ये जिस तरह से एशिया कप में भी हम इंडिया के खिलाफ बाउंसर्स पर आउट हुए, फिर यहाँ पर मार्कवुड आए, कराची में भी उन्होंने वही तमली अख्तियार की, फिर लाहौर के कराफी स्टेडियम में, क्योंकि हम मैचेस जीते, लेकिन दुनिया को ये तो एक देखने को मिला है कि पाकिस्तान के पेसर्स जो पाकिस्तान के बॉलर्स अगेंस्ट शॉर्ट पिच या बाउंसर्स के खिलाफ ज़रा उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देखिए, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपको सिलेक्ट करने से पहले आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भले आपने रन्स किए भी हों एट टाइम्स, कि क्या ये शॉर्ट पिच जो तेज़ बॉलिंग को टैकल करने की टेक्निक है या नहीं है, क्योंकि आप भी एक्सपोज हुई है बैटिंग आपकी। आपको याद होगा जब सेमीफाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग लेके उन्होंने बाउंसर्स किए, शॉर्ट पिच बॉलिंग की, तो वो वहाँ तो ग्राउंड्स भी थोड़े बड़े हैं, ग्राउंड बड़े हैं, पिच में ज़्यादा बाउंस है, तो ये तो तय है कि हर टीम जो है वो कोशिश करेगी कि इनका जो मिडल ऑर्डर है उसको तो मुश्किल आनी ही आनी है, क्योंकि इट्स वेरी इजी किसी भी बॉलर के लिए कि वो शॉर्ट एवर लेंथ बॉलिंग कर दे। जहां आपको एट टाइम्स बहुत मुश्किल होता है कि आप एक वीक एरिया है, आपने उस जगह पे बॉल करना या यॉर्कर करना या आउट स्विंग करना या इन स्विंग करना, वो तो एट टाइम्स आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि पिच में एट टाइम्स आपको मिलती नहीं है उतनी स्विंग। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि आपने सिर्फ शॉर्ट पिच बॉलिंग करनी है, तो वो तो आप देखेंगे जो भी आप टीमें होंगी ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो T20 क्रिकेट में एक तो नया बॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक डेथ के दो ओवर जो नए बॉल से वो करते हैं, क्योंकि ऊपर से आप विकटें लेते हैं, टीम अंडर प्रेशर होती है, और एंड में आपने मैच का फैसला आपके ऊपर होता है। अब वही रोल जो अभी हम हारिस का देख रहे हैं सीरीज़ के अंदर, वो जिस तरह से वो मैच में पाकिस्तान को वापस लाता है, और फिर एंड में जो उसके ओवर हैं वो डिसाइड करते हैं मैच को मोर ऑर लेस, तो इसी तरह का रोल जो शाहीन ने भी, अगर आप देखें तो क्यों शाहीन इज इम्पॉर्टेंट और बुमराह, शाहीन तो बुमराह से भी ज़्यादा इफेक्टिव है विद अ न्यू बॉल, ठीक है, डेथ में फिर थोड़ा एज आप दे सकते हैं बुमराह को थोड़ा ज़्यादा, बट ऊपर से जो विकेट शाहीन लेता है, वाहिद बॉलर होगा जो T20 में 6 ओवर्स में लोग मैक्सिमम रन्स करने की तरफ जाते हैं और उसको देख के सोचते हैं कि अपना पैर और विकेटें बचाएं। तो ये जितना नुकसान इंडिया को बुमराह का है, अगर खुदा ना खास्ता अगर शाहीन उस तरह फिट नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ख़तरा है।